गंगा मोक्ष दायिनी में श्रद्धालुओं को गंगा में नहाते समय एक पत्थर तैरता हुआ दिखाई दिया। गंगा पूज्य है, गंगा माँ मोक्ष दायिनी है, साथ ही गंगा में प्राकृतिक और देवीय संपत्ति के बेहद भंडार है, जिसका ताजा उदाहरण यहाँ देखने को मिला है। गुरनौर क्षेत्र में फरीदपुर गंगा घाट नंबर 4 पर गंगा में एक तैरता पत्थर मिला है, जिसे लोग देवनी मान रहे हैं। पत्थर को लेकर लोगों में बेहद कौतूहल और उत्सुकता है। गुरनौर थाना के फरीदपुर के जंगल के 4 नंबर घाट पर गंगा में तैरने वाले पत्थर के आ जाने का मामला संभल से सामने आ रहा है। इस गांव के युवक घाट किनारे थे, जहां तैरते पत्थर को देख उन्होंने निकाल लिया। कुछ लोग पत्थर को भगवान राम के समुद्र पर बनाए गए पुल से जोड़कर देख रहे हैं, तो कुछ इसे भगवान शिव का रूप मान रहे हैं। अलबत्ता पत्थर को लेकर लोगों में कौतूहल और उत्सुकता है। अलबत्ता युवक गंगा की इस अमूल्य प्राकृतिक और देवी धरोहर को संभाल कर रखे हुए है। क्या नाम है आपका? जो कि आप यहाँ गंगा नहाने आए हो, क्या आपके लिए यहाँ कोई? मैं गंगा ही नहाने आया, तो मैं गंगा नहा रहा था, तो जैसे एक पत्थर बह के आ रहा था, ठीक है, मैंने उसे पकड़ा, फिर मैंने उसे छोड़ के देखा, फिर भी तैर रहा था वो, फिर मैंने उसे छोड़ दिया। अच्छा, इसे कौन सा घाट मानते हैं आप? 4 नंबर घाट है। 4 नंबर घाट है, तो कितने लोगों ने देखा है? हमने 7-8 लोगों ने देखा है।